हाँ फ्रेंड्स, हम हमारे छोले बनाने में जो सामग्री लगेगी वो देख लेते हैं। आज हम अमृतसरी छोले बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। उसके लिए हमें चाहिए छोले, तो मैंने 2 कप लिए थे और इन्हें रात को ही गला के रख दिया था। आप इनकी 4 से 5 सीटी ले लें। ये मैंने उबाल लिए हैं, देखिए कितने अच्छे उबले हैं। देखिए 4 से 5 सीटी में आपके छोले बहुत अच्छे हो जाएंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद हमें चाहिए प्याज, 2 प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, 3 टमाटर छोटे छोटे उसका भी पेस्ट बना लिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी जो सेक ली है, सेक के उसको क्रश कर लें, नमक स्वाद के अनुसार। मसाले में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 टीस्पून लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर, क्योंकि टमाटर भी है इसलिए आधी टी स्पून अमचूर। और खड़े मसाले में 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े छोटे दालचीनी के, 2 से 3 लौंग और 2 से 3 ही काली मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और ये जीरा पाउडर सिका हुआ। बाद में हम तड़का लगाएंगे सब्जी के बाद। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च जो मैंने लंबी लंबी काट ली हैं 2, और थोड़े से 2 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े। हाँ फ्रेंड्स, अब एक कढ़ाई रख लीजिए गैस ऑन करके। इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल लीजिए। अब ऑयल को गर्म होने दीजिए अच्छे से। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हमारा जीरा, उसके बाद में इसी में डालेंगे हमारा तेज पत्ता, बड़ी इलायची, तेज पत्ते के बाद में दालचीनी और हमारी लौंग और काली मिर्ची। हींग अभी हम नहीं डालेंगे, हींग हम डालेंगे एंड में जब तड़का लगाएंगे सब्जी बनने के बाद। अब हमारे सारे खड़े मसाले सिक गए हैं, अब हम डालेंगे हमारे प्याज। ये प्याज को हम अच्छे से गोल्डन कलर होने तक सेक लेंगे। अब हमारी प्याज अच्छे से सिक चुकी है, आप देख रहे हैं अपने आप गोल्डन कलर आ गया है इसमें, एक अच्छा सा। अब इसमें हम डालेंगे हमारी टमाटर की प्यूरी, और उसी के साथ हम डालेंगे हमारे मसाले। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इन तीनों को अच्छे से टमाटर के साथ सेक लीजिएगा जब तक कि ऑयल हमारा ऊपर ना आ जाए मसाले में, जब तक इसको अच्छे से सेकना है। अब हमारा मसाला देखिए अच्छे से सिक चुका है, अब इसी में हम डाल देंगे हमारे छोले, उसी में हम डालेंगे हमारे छोले, अच्छे से मिलाइए। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा गरम मसाला और चुटकी भर अमचूर और हमारा सिका हुआ जीरा पाउडर। अब इसी में नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें, मैं यहाँ 2 टीस्पून डाल रही हूँ, और थोड़ा सा पानी। अब इसको एक उबाल आने दें अच्छा। जब तक आप एक पैन में थोड़ी सी चाय पत्ती उबलने रख दीजिए, हम उसका पानी इसमें डालेंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा।
अब हम हमारे छोले देख लेते हैं। देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस आप पानी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा। वैसे छोले में ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें हम जो हमने चाय पत्ती का पानी उबलने रखा था उसको डालेंगे, जिससे कि इसका कलर अच्छा हो जाए। देखिए इसीलिए मैंने छोले उबालते टाइम इसमें टी बैग या चाय की पोटली बना के नहीं रखी थी कि हम बाद में डालेंगे। छोले उबालते टाइम खाली छोले ही उबाले थे उसमें मैंने। देखिए हमारे छोले का कलर अच्छा हुआ है। इसमें हम डालेंगे सिकी हुई कसूरी मेथी, उसको ऐसे हाथ से क्रश करके डालें आप। अब एक तरफ हम हमारा तड़का बनाएंगे। अब हमें तड़का लगाने के लिए आप एक कढ़ाई या तड़का पैन कुछ भी रख लीजिए, उसमें हम डालेंगे घी या बटर जो भी आपके पास हो। अगर आप ऑयल का यूज करना चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है, घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, हमारी हरी मिर्च जो हमने लंबी लंबी काटी थी, और दो अदरक के छोटे छोटे पीस, और मिर्च अच्छे से सीख जाए। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अब इसको हम सब्जी के ऊपर डालेंगे। फ्रेंड्स अभी हमारा तड़का हम सब्जी में डाल देंगे। तो हमारी सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें नीचे कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी का बटन है उसको क्लिक करें, जिससे कि मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।